मेरा एक ड्रीम बर्ड था, शायद आप में से कुछ लोगों ने वो वीडियो देखी होगी जिसका नाम मैंने रखा था मिस्ट्री। ये मिस्ट्री का बच्चा है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये कुछ चिक्स मैंने उठाए थे ये हैंड फीड के लिए, तो ये अभी खुद सेल्फ के एज में आने लग गए, सेल्फ होने वाले मतलब। ये मेरे पास एक ड्रीम बर्ड में से है, मेरे जो चार पीस मैंने ड्रीम बर्ड अपने लिए थे उसमें एक उसको अलग फीमेल लगाई थी, इसमें से ये निकला है गोल्डन फिशर। और ये जो है रोमियो का लड़की है कि लड़का मुझे नहीं पता, ये उसमें का है। वेलकम बैक टू एक्सॉटिक बर्ड्स दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है हैंड फीड पे जो चिक्स मैंने उठाए थे, सोचा उसकी एक अपडेट दे दूँ। और एक चीज़ मैं कर रहा था तो सोचा आप सब लोगों से भी शेयर कर दूँ कि बाद में फ्यूचर में अगर आप कभी हैंड फीड पे चिक्स उठाते हो तो वो चीज़ आपको उसका चीज़ का एडवांटेज है। तो यहाँ पर एक तरह का हमारा बाथरूम था बहुत पुराना जो कि यूज़ में नहीं था, उसके हम कोई इसे यूज़ नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर हमने उसको रखा था सारे चीज़ को, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन हो रहा था, कोई कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, ना कूलर की थी ना उसे पानी, उसी पे दिन में तीन या चार बार अंदर जाके पानी उसमें स्प्रे कर देते थे, तो वहाँ का टेम्परेचर एक ज़बरदस्त था। और इस अंदर जो है डिफरेंट म्यूटेशन के बर्ड्स हैं, अफ्रीकन ही है और दूसरे कोई है नहीं, और अलग अलग म्यूटेशन है जैसे कोबाल्ट ब्लू मार्क्स और वॉयलेट हुआ, गोल्डन फिशर हुआ, ऑलिव मार्क्स हुआ, डाइल्यूट है और भी कई सारे जो कि मैं आपको अंदर ले जाके ही उसको दिखाता हूँ। तो ये है, एक तो मैंने कुछ जो अच्छे बड़े हो गए थे पेयर उनको मैंने स्पेशली यहाँ पर एक केज के अंदर रख दिया, और कुछ पेयर यहाँ पे। ये जो है एक तरह का एक्वेरियम है जो कि बहुत पुराना था, मेरे पास पड़ा था एक्वेरियम, तो सोचा इसके हम इस काम में लेते, तो इस काम में यहाँ पर चिक्स को रखने के लिए ले लिया जो चिक्स छोटे थे, और कुछ जो बड़े चिक्स थे वो इनको यहाँ पर रखा है। तो दोस्तों ये है कुछ चिक्स, इसमें आप देख सकते हैं ये वाला जो चिक्स है व्हाइट बुल जिसे बोलते हैं, जो प्योर व्हाइट बुल आता है, और ये जो है इसकी आंख काली है तो ये व्हाइट बुल है, अगर रेड होती तो इसकी कीमत और ज्यादा होती है। और ये जो व्हाइट बुल है इसका जो पेयर है चिक्स का अराउंड, अभी तो हर जगह अलग अलग रेट चलता है, तो मेरे ख्याल से इसका जो रेट चल रहा है 8,000 से 12,000 के बीच में है इसका रेट चल रहा है, मगर ये पेपर वाइट होना, और ये खुद पेपर वाइट है। ऐसे चार थे, तीन मैंने किसी और को हैंड फीड मतलब वो टेम करवा रहा था, टेम के लिए मैंने दे दी, एक पीस ही मेरे पास बच्चा है। और ये वाला जो बच्चा है मेरे को जहां तक लगता है ये बड़ा होगा जब भी पता चलेगा, अभी तो मैं बता नहीं सकता। और ये देखिए एक ये है ग्रीन फिशर का चिक्स है, ये एक ग्रीन फिशर का है, और इधर जो है ये ऑलिव मास्क के है, ऑलिव मास्क का है, ऑलिव मास्क का जो रेट चल रहा है वो 4,000 से 5,000 रुपए चिक्स का चल रहा है, मैं तो ये रेट के आसपास बेचता हूँ, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है इसलिए रेट मैं कहीं डिस्प्ले नहीं कर रहा। और ये भी ऑलिव मास्क का चिक्स है, और ये जो देख सकते हैं एक डाइल्यूट है, डाइल्यूट में जबरदस्त एक कलर निकला है, जो ये मैं अपने लिए रखूंगा, इसे बेचूंगा नहीं, इसे मैं आगे फ्यूचर में ब्रीड के लिए यूज करूंगा ये है। और ये जो है गोल्डन फिशर का है चिक्स है, ये स्प्लिट टू वॉयलेट है ये गोल्डन फिशर, और ये वाला ये मेरे को पता नहीं फिलहाल कौन सा निकलेगा। तो आप देख सकते हैं ये चिक्स है जो मैंने इधर रखे है, और बाकी के जो चिक्स है ये मैंने इधर रखे है। और मैं यहाँ पर अभी क्या करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर ये करने वाला हूँ, इसमें से दो जो चिक्स जो पूरी तरह सेल्फ हो चुके हैं, जो पर्टिकुलर ये दाना वाना जो मैं दे रहा हूँ ये खुद खा रहे हैं, इनको मैं कॉलोनी में छोड़ूंगा, कॉलोनी में मैं इनको डायरेक्ट नहीं छोड़ूंगा, अगर इनको कॉलोनी में मैंने डायरेक्ट छोड़ा तो ये वहां पर जो ब्रीडिंग पेयर है वो इनको मार सकते हैं, क्योंकि ये वो छोटे हैं तो ये मार सकते हैं। और ये एक दो नहीं है, ये बहुत सारे हैं, ये एक के ऊपर एक फिलहाल अभी ऐसे बैठे हुए हैं तो इसलिए लग रहा है। तो इनमें से सिर्फ मैं दो ही पीस छोड़ पाऊंगा वहां पे, क्योंकि बाकी जो चिक्स है वो एक टाइम मतलब फीड ले रहे हैं, बाकी जो एक सिर्फ दो पीस है उसमें से जो फीड ले ही नहीं रहे, पूरे सेल्फ हो गए हैं, बाकी जो है वो एक टाइम फीड ले रहे हैं, तो उनको तो नहीं छोड़ूंगा मैं, सिर्फ दो पीस को छोड़ूंगा और डायरेक्ट कॉलोनी में नहीं छोड़ सकता, क्योंकि कॉलोनी मेरी तीन है और तीनों में कुछ ना कुछ अलग अलग म्यूटेशन के पेयर रखे हुए हैं, तो डायरेक्ट तो नहीं हम उसको छोड़ेंगे, कैसे छोड़ेंगे वो आपको लेके वहां पर जाते हैं फिर बताते हैं। एक तो ये गोल्डन फिशर है और मार्केट में इसका रेट तो मुझे पता नहीं, मगर मैं ये जो रेट से बेचता हूँ वो जो मैं रेट से देता हूँ
वो है 3,500 रुपये। 3,500 रुपये ये चिक्स का रेट है। इसमें ये एक पीस है और एक पीस और मिलेगा 3,500 में, मतलब 3,500 रुपये में दो। और ये रेट फिक्स है, मैं रेट कम नहीं करता चाहे कुछ भी हो जाए। इसको मैं रख रहा हूँ, अभी तो लॉकडाउन के बाद ही हो पाएगा जो भी होगा डिलीवरी, अभी तो फिलहाल नहीं होगा। और इसमें से और एक ये है, ये अपना इसको येलो फिशर बोलते हैं, और इसको यूपी साइड में शायद धानी वानी ऐसा कुछ तो भी बोलते हैं, मुझे वहां का तो पता नहीं, मगर यहाँ पर इसको बोलते हैं येलो फिशर। और ये मैं बेचता हूँ 2,200 रुपये पेयर के हिसाब से, रेट कंफर्म है 2,200 रुपये पेयर। अगर किसी को भी लेना हो तो नंबर तो नहीं मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आपको इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी, वहां पर आप बुकिंग करवा सकते हो। अगर बुकिंग जब भी होगी, मगर ट्रांसपोर्टेशन आपका हम दे पाएंगे तो ही बुकिंग होगी, अदरवाइज बुकिंग नहीं होगी। तो ये एक है गोल्डन फिशर के दो पीस हो गए सेल्फ, मतलब तीन पीस टोटल। मैं सोच रहा हूँ कि कॉलोनी में उनको ले आके रख दो। एक ये है, इसको सोच रहा हूँ इसको यहीं रहने देते हैं अभी। इस वाले को मैं 2 या 3 दिन बाद वापस डाल दूंगा, मगर ये दो पीस को मैं कॉलोनी में जो ब्रीडिंग पेयर है उनसे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, वो तो कैसे होगा वो देखिए। तो भाई ये दो पीस है और इनको ही रखा, धीरे धीरे सबको लेके आऊंगा, और इनको रख रहा हूँ फिलहाल अभी कॉलोनी के अंदर। तो डायरेक्ट कॉलोनी में तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि डायरेक्ट मैंने छोड़ा तो इनको जो यहाँ पर जो बड़े पेयर ऑलरेडी है इस कॉलोनी में, तो वो ये इनको मार सकते हैं, मतलब वो इनको मारेंगे, ये नहीं मार पाएंगे। तो कॉलोनी के अंदर आ गए और इसको यहाँ पर छोड़ूंगा, एक केज है थोड़ा सा खाली पड़ा था तो सोचा इसको यहाँ पर ही छोड़े। ये एक केज मेरा ब्रीडिंग पेयर का था और मैंने इसको वो पेयर को रेस्ट पे डाल दिया, सेबल का मेरा एक पेयर था, तो मैं ये वाले चिक्स के पेयर को इनको यहाँ छोड़ूंगा। और कोई मसला नहीं है, पूरा सेल्फ अच्छे तरीके से होगा, एक बार भी फीड नहीं ले रहे पिछले 3 या 4 दिन से। मैं इनको फीड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ मगर ये फीड नहीं ले रहे, तो ये पूरी तरह अभी सेल्फ हो गए। तो ये और ये सारे चिक्स है सेल के लिए, अभी तो नहीं आफ्टर लॉकडाउन तो इन्हें सेल करेंगे। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, चिक्स आपके पास निकलते हैं तो इनको जितना बड़ा एरिया आप दे सकते हो वो उनको दीजिए, मतलब जितना बड़ा आप केज उनको दे सकते हो उतना बड़ा केज आप उनको दीजिए, क्योंकि उससे उनकी हेल्थ और फ्यूचर में जब वो ब्रीड करते हैं तो उससे एक बहुत ही ज़बरदस्त असर होता है। जैसे कि ये मेरे कुछ पेयर, मैंने ये देखिए ये सब, ये ग्रीन वाला दिख रहा है, मैंने ये देखिए ये सब होल्ड करके, मतलब इनको कॉलोनी में छोड़ा है, होल्ड करके नहीं रखे, मेरा पुराना ही पेयर है। और इनमें कुछ चिक्स भी है, जैसे कि देख सकते हैं ये आप चिक्स दिख रहा होगा आपको, ये सेबल, बाकी सब सेबल तो मैंने बेच दिए। पीवर ये एक वॉलेट में से है सेबल, ये चिक्स है, इसको कॉलोनी में छोड़ा है फिलहाल अभी। और एक चीज़ आपको हमेशा करनी है कि जो चिक्स है उनको आपकी कॉलोनी में जो ब्रीडिंग पर ऑलरेडी है उनके साथ गलती से भी नहीं छोड़ना, अदरवाइज वो सब मिल के इन सब चिक्स को मार देंगे, इन ये चिक्स को वो गारंटेड मार देंगे। तो आपको ये करवाना है कि अगर आपको छोड़ना ही है तो ब्रीडिंग सीजन में मत छोड़िए, जब अंडे बच्चे ऑलरेडी दूसरे पेयर के हैं तो उस कॉलोनी में तो गलती से भी कोई और दूसरे बर्ड्स को ऐड नहीं करना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो उसका पोस्टमार्टम बना देंगे। तो आपको करना है ये इस टाइप का केज लीजिए, ये केज को कॉलोनी में रखिए और कॉलोनी में उन चिक्स को अंदर डाल के छोड़ दीजिए। और ये जो आपको प्रोसेस करनी है नॉन सीजन में, मतलब जब आप ब्रीडिंग नहीं ले रहे हो उस टाइम करनी है, अदरवाइज आप ब्रीडिंग लेने के टाइम ये सब करते हो तो बहुत प्रॉब्लम होगी। इसको केज में छोड़ना है, फिर कुछ समय बाद 10 से 15 दिन बाद इन चिक्स को वो कॉलोनी में छोड़ना है, जब तक इनकी मेल जुलाव अच्छे से हो जाएगा। मगर याद रखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ब्रीडिंग सीजन ऑफ रहे उसी टाइम आपको ये करना है, अदरवाइज ये नहीं करना है। तो यहाँ पर ये चिक्स पूरे तरह सेल्फ हो गए, तो मैंने सोचा इनको यहाँ पर छोड़ दिया जाए। और ये एक चीज़ और बोलूँगा मैं आपको, हैंड टेम और हैंड फीडिंग में बहुत फ़र्क है। हैंड फीडिंग मीन्स वैसी होती है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को फीड अच्छे से नहीं करवा रहे तो उस टाइम हैंड फीडिंग करवाते हैं,
या वो माँ बाप अपने बच्चों को पाल नहीं पा रहे अच्छे से, कुछ ज्यादा चीक से 5 या 6 चीक से माँ बाप से भी एक या चीक को ही फीड करवा रहा है, तो उस टाइम हैंड फीडिंग यूज करते हैं। और हैंड टैम एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, हैंड फीडिंग में भी लगती है। दिन में 4 टाइम आपको उनको दाना खिलाना है, उनकी केयर करनी है, हर 2-4 घंटे में उनको जाके चेक करना है, तो उसमें भी हैंड फीड में भी मेहनत लगती है। मगर हैंड टैम में आपको उस बर्ड्स के साथ रहना है। तो मैंने हैंड टैम के लिए वर्क किया था, मगर बाद में मैंने फिर उसका दिमाग चेंज किया, इसलिए क्योंकि रमजान आ रहे थे, रमजान में इतना टाइम मैं नहीं दे सकता था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो सोचा हैंड फीड पे ही रखो, वाइल्ड रखेंगे, इन्हें वाइल्ड हो जाएंगे, हैंड फीड पे लेके इनको बाद में सेल करेंगे। हैंड टैम का भी था कुछ, मगर वो अभी नहीं हुआ। और हैंड टैम में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, हैंड टैम करना इतना आसान नहीं है, सिर्फ बोलना आसान है, हैंड टैम करना इतना आसान नहीं है। तो दोस्तों वीडियो फिलहाल यहीं खत्म कर रहे थे, एंड होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अभी के लिए थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच।